everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? So today we are here going to watch Salaam Winky official trailer और इसमें है काजल मैम एंड आमिर खान एंड विशाल जेठवा रेवती एंड इट इज गोइंग टू बी देयर ऑन 9th of December 2022. मतलब बहुत ही जल्द आ रहा है सिनेमा नियर यू एंड आई एम लाइक सो एक्साइटेड, क्योंकि जैसे यहाँ पे वो जो थंबनेल बेसिकली बोलते हैं तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, तो मैं एवरी टाइम मेरा यूट्यूब खोल रही हूँ तो वही थंबनेल मेरे सामने दिख रहा है एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्लिक करके देखो, ऐसा काइंड ऑफ थंबनेल यहाँ पे उन्होंने बनाया है एंड एकदम ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ऐसे विद ऑल ऑफ द इमोशंस, वो एक साड़ी एंड मतलब वो रेड कलर का साड़ी आई गेस, मतलब साड़ी का पल्लू ऐसे उड़ते हुए एंड शी इज कैरिंग द व्हील चेयर, वो मतलब फुल ऑन इमोशंस के साथ वो एक मतलब यहाँ पे दिखाया गया है. आई एम लाइक सो एक्साइटेड. ऑल्सो यहाँ पे ट्रेलर का नाम है सलाम विंकी, तो लेट्स सी हाउ दिस ट्रेलर इज गोइंग टू बी. चलिए देखते. कहाँ थे तुम? ऐसे पूछ रहा जैसे मैं भाग गई थी किसी के साथ. थोड़ी देर रुक जाओ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर भाग जाना. कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, बेटे को माँ से बात करने की तमीज नहीं है. मैं तो सिंपथी वोट लेके चला जाऊंगा, बुरी तो तुम ही बनोगी. जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू के साथ. जैसे धीरे धीरे करके मेरे कानपुर, हाथपुर, जबलपुर में हड़ताल होने लगेगी ना, तब मत आना मेरे पास होते हुए. मम्मी ने फिर आके डांटा, लगते लगते बच गया चाटा, हैरान होके बेटा बोला क्यों है ये गुस्से का गोला, कितनी दफा दोहराऊं कहते कहते थक जाऊं, तुमने तो जाना नहीं करना, फिर होगा वही जाओ मैं देता तुझे. ये सारी मशीनें क्यों लगा कर के? मैंने उसके डॉक्टरी को ललकार दिया इसीलिए डेकोरेशन. अम्मा तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ. जब भी उसने मुझसे कुछ मांगा है तो मैंने उसे दिया है, लेकिन ये मैं उसे नहीं दे सकती. अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ एक लवेबल बेटा, उस बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हुई एक बहादुर माँ, और इमोशनल फैमिली ड्रामों का दीवाना हमारा मीडिया, आई थिंक जोर का झटका देने से लगे. राइट तुमने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है. टाइम थोड़ा कम है ना. मैं तेरी जिंदगी बड़ी बनाऊंगी, प्रॉमिस. जीना सिखाया है सुपरमैन की तरह, सॉरी आर्नोल्ड की तरह. जैसे यहाँ पे दे हैव बीन शोन द मतलब इतना सब कुछ ही हैज इन हिज लाइफ लाइक ऑल द सॉरो, मतलब वो सब छोड़ के इतना पॉजिटिव रहना इन अ लाइफ इज वेरी हार्ड, क्योंकि मतलब हमें ही देख लो यार, हमारा लाइफ मतलब हमें लाइफ में सब कुछ है, वी हैव लाइक ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्किंग एंड ऑल, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रेस और लोगों का मतलब बातें सुन के इतना ज्यादा नेगेटिव भर लेते हैं ना दिमाग में, मतलब फुल ऑन लाइक दिन ही सैड हो जाता है ऐसा. एंड लुक एट हिम इज सो मच इंस्पायरिंग, विशाल जेठवा और जो उनका लाइक कैरेक्टर दिखाया गया, आई गेस हिज नेम इज वेंकी इन दिस वन, तो उनका कैरेक्टर जैसे दे हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक उनके मम्मी के साथ जो फुल ऑन फ्रेंडली काइंड ऑफ अ बॉन्ड है, दैट ही लाइक स्प्रेड्स पॉजिटिवनेस नॉट ओनली टू हिज मदर बट टू ऑल सराउंडिंग, मतलब जो कोई भी मतलब लोग होते हैं उनके सराउंडिंग में स्प्रेड करना एंड ऑल्सो बींग पॉजिटिव अबाउट हिमसेल्फ कि यार मुझे ऐसा सब कुछ हुआ है, मतलब उसका भी शायद कुछ रीजन होगा, दैट हैज हैपेंड टू मी एंड सच अ ब्यूटिफुली दे हैव बीन शोन द पॉजिटिवनेस, द कॉन्फिडेंस इन हिम, उसको ऐसा मतलब द वे मदर एंड काजल एंड जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशा एंड ऑल दैट थिंग्स, ये बहुत ज्यादा सच है. एंड ऑल्सो एक चीज जो मांगा है लाइक उन्होंने लाइक द बॉय हैज बीन आस्क्ड हिज मदर की एक चीज, वो सपना पूरा करने के लिए
बट वो नहीं दे सकती. बट वॉट इज दैट सपना इज गोइंग टू बी एंड ऑल दैट थिंग. ये इंटरेस्टिंग है. तो मैं तो यार एंड एट द लास्ट आमिर खान सर हैज बीन लाइक अ छोटा भाई के सीएम के पापा है. इफ आई एम लाइक नॉट रॉन्ग मे बी गुजर गए एंड दैट थिंग्स. लेकिन एक ब्यूटिफुल सा क्या बोल सकते हैं स्टोरी हमारे सामने आने जा रहा है ऑन द 9th ऑफ द डिसम्बर. मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा कि वो जो पॉजिटिवनेस वो जो इंस्पायरिंग एंड ऑफ अ नेचर है यहाँ पे एंड जो भी मतलब चीज़ें हैं इसे कैसे हुई है व्हाई दैट हैज बीन हैपेंड एंड हाउ ही हैज बीन मतलब मम्मी के साथ जो रिलेशन है उसका लाइक विद मेरे मम्मी के साथ ऑफकोर्स मैं भी वो करती हूँ लेकिन वो सब इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहे ना लाइक टू ऑल द पीपल एंड ऑल्सो लाइक जो लाइक मम्मी को इंस्पायर कर रहा है उनके मम्मी को वो इंस्पायर कर रहा है वो एक चीज़ है दैट हैज बीन लाइक अ मैजिकल थिंग ओवर हियर. एंड आई एम लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया ये ट्रेलर. जैसे ये क्या हो सकता है यहाँ पे शोन इट राइट. लेकिन अभी एक देखना बाकी है कि जो ड्रीम के बारे में बात करे या जो एक बात पूछा है लेकिन काजल मैम पूरा नहीं कर पा रही है दैट व्हाट इज वो उसके लिए मैं क्यूरियस थी. लेकिन उसके बाद जैसे सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा था कि मतलब ही हैज बीन गिविंग द स्पीचेस एंड मतलब यहाँ के मतलब बोर्ड पे सिखा रहे थे गोइंग एंड प्लेइंग एंड बीइंग विद एवरीवन वो एक चीज है यहाँ पे. लेकिन वो मतलब क्या हो सकता है व्हाट दैट ड्रीम क्या है वो एक चीज के लिए क्यूरियस हूँ. बाकी ट्रेलर तो बढ़िया था. आई लव इट. जैसे यहाँ पे मतलब एकदम ब्यूटीफुली थंबनेल दिखाया गया उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेलर हमें है हमारे सामने है. एंड यहाँ पे जैसे बोला गया है कि तुमने ये इतना सब कुछ है सब कुछ बोला था डॉक्टर को ये डॉक्टर अजमन से ये सब कुछ इतने जल्दी मतलब पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था एंड पहले से सोच लिया था. एंड द बॉय सेज कि यार मतलब करना पड़ता है क्योंकि उधर टाइम बहुत कम है ना एंड ऑल दैट वेयर लाइक इट वाज लाइक लिटिल सैड बट आल्सो मुझे जैसे इंस्पायरिंग या पॉजिटिव तरीके से बोला गया वो भी चीज़. ओके आई लव दैट थिंग. एंड सलाम वेंकी तो वेंकी उसका नाम है. एंड काजल मैम वर टॉकिंग अबाउट हर शी हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड रोल. आई गेस पहली बार ही शी हैज बीन प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मॉम इफ आई एम लाइक नॉट रॉन्ग क्योंकि पहले मैंने कभी भाई मॉम का रोल प्ले करते हुए काजल मैम को देखा नहीं है. सो दिस इज विल बी द फर्स्ट टाइम और बहुत ज़्यादा I'm loving it here in this avatar. So it is going to be released in theaters near you on 9th of December. I'm really excited to watch. So yeah, that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आई डी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.